हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस देखिए, आज मैं यहाँ पे आपके लिए एक प्रॉब्लम लेकर आई हूँ, जिसका सलूशन भी लेकर आई हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मेरे ब्लाउज का जो यहाँ पे डिज़ाइन दे रखा है, ये जो है राउंड शेप दे रखा है। तो हमें इसमें जो है डीप गला चाहिए, और राउंड शेप अगर नहीं निकलता है तो फिर हम क्या करें। तो डीप नेक के साथ हमें ये राउंड शेप कट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसमें दूसरा डिज़ाइन दें, जिससे जो है नेक जो है डीप भी हो जाए और यहाँ पे ये कढ़ाई भी हमारी ना कट के जाए कटिंग में। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना है। अगर नीचे से हम फैब्रिक साइड से कम करते हैं तो हमारा ये ब्लाउज़ की लेंथ जो है कम हो जाएगी लंबाई। तो देखिए, सबसे पहले हम पेपर पेस्टिंग में जितना हमें नेक चाहिए वो हम तैयार कर लेंगे लेंथ वाइज। और इसमें हमें राउंड शेप नहीं देकर हमें ये दोनों साइड की कढ़ाई और राउंड शेप थोड़ा सा कट, तो हम यहाँ पर 5 से 20 शेप नहीं दे सकते, स्वीट हार्ट शेप दे सकते हैं, जिसमें हमारा इसमें ये राउंड नेक से जो है कढ़ाई भी नहीं कटेगी और हमारा ये डीप भी हो जाएगा। उसके लिए देखिए, हमने ये लेंथ यहाँ पे ले ली है और मेज़रमेंट के हिसाब से देखिए, ऊपर हमने 2.25 इंच, नीचे हमने 2.5 इंच के करीब मार्क किया है। इसको हम पहले बॉक्स बना लेंगे, फिर बॉक्स में हम नेक का शेप देंगे, गले का जो है वो हम शेप देंगे, कौन सा हमें डिज़ाइन देना है इसमें। तो पहले इस बॉक्स को हम तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें डिज़ाइन देंगे, उसके अकॉर्डिंग देंगे कि हमारी कढ़ाई ब्लाउज की गले की ना कटे। तो देखिए, यहाँ इस तरीके से हमें लाते हुए यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे गोलाई घुमाते नीचे 5 शेप दे देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ से डीप भी हो जाएगा साइड से भी और नीचे से भी डीप हो जाएगा। तो ये दोनों, जैसे कहते हैं ना, ब्रॉड और डीप दोनों ही इसमें आ जाएगा और हमारी कढ़ाई भी नहीं कटेगी। तो राउंड शेप के साथ अधिकतर ये क्या होता है, ये वाली कढ़ाई तो दे देते हैं, पता चले कपड़ा नीचे एक्स्ट्रा होता ऊपर कम होता है, मतलब नीचे ज़्यादा होता है ऊपर कम होता है। अगर हम नीचे से कपड़े की कटिंग करेंगे बैक नेक की, तो क्या होगा कि ब्लाउज की जो है लेंथ कट जाएगी, क्योंकि इसके स्लीव्स पर भी कढ़ाई दे रखी थी। तो हम इस तरीके से शेप देते हुए इसमें पेपर पेस्टिंग को पलट के दूसरी साइड भी हम ये जो है नेक ड्रॉ कर लेंगे। इसी नेक के अकॉर्डिंग हम इस तरीके की प्रॉब्लम अक्सर ही हमारे कपड़े में आती हैं, जिसमें कढ़ाई और डीप ये सब चीज़ों का होता है प्रॉब्लम। अगर हम ये कढ़ाई के अकॉर्डिंग ही बनाते गला तो इसमें 7.5 इंच का ही आता। हमने देखी 9.5-10 के डिमांड में था कस्टमर का कि हमें डीप नेक भी चाहिए और हमारी कढ़ाई भी ना कटे। तो देखिए, अब साइड से हमने ये यहाँ पे 1-1 इंच के करीब छोड़ लेना है, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है पेपर पेस्टिंग सहित, 1/2 इंच फोल्ड करते हुए नेक की शेप की साइड हमें इस पर सिलाई चला। जैसे ही सारे नेक हम तैयार करते हैं वैसे ही ये वाला भी हमें तैयार कर लेना है। तो इसे हम फोल्ड करते जाएंगे, फिर ये जब तैयार हो जाएगा इसको हम इस पर बैक नेक पर ज्वाइंट कर लेंगे। ये हमारा रेडी हो चुका, अब हम इसके सेंटर पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे और सेंटर पर कट लगा देंगे जो गले का है, ठीक है। यहाँ पे कट लगाने के बाद इस पर ही हम इस पर हमें ये पैच जो इस पर भी हमने सेंटर पे कट लगाया और सेंटर से सिलाई लगाते हुए नीचे पाएंगे। अब देख लीजिए, हमारा ये मतलब हमारी ये जो कढ़ाई है वो नहीं कटेगी, और थोड़ा आराम आराम से चलाएंगे, जो शेप हमने दिया उसी के अकॉर्डिंग इस पर हम चला देंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद आप देखिएगा कितना बेहतरीन तरीके से नेक तैयार हुआ है, ना कोई टेंशन कि हमें नेक कैसे तैयार करना, ना कढ़ाई भी कटी और ना ही हमारा ये नेक जो है गला छोटा रहा, ये भी डीप होकर तैयार हो चुका है। इसमें ब्यूटीफुल लटकन लगा देंगे उसके बाद, अगर आप लगाना चाहें तो। ये हमारा नेक तैयार हो चुका है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी करें। नई ऐसी वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। नेक पलटने के बाद इस पर टॉप स्टिच चला दें। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।